हेलो दोस्तों, शनि मूड में आपका स्वागत है। इस बार जो ओपन टेस्ट 2 हुआ था, यानी मैं हमेशा आप लोगों को ओपन टेस्ट करा रहा हूँ और इस बार तो ओमर सीट भी आप लोगों को दे रहा था। सो ये पटना NIT घाट पर हुआ है, ठीक। तो यहाँ दिखाइए, ये जो है आपका ओमर सीट है, यानी कि बहुत लड़कों ने आपको एग्जाम दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लड़कियों का है, क्योंकि इस बार क्या सोचा गया है कि टॉप जो 3 लड़कियाँ हैं उनका अलग से प्राइज दिया जाएगा और जो टॉप 10 लड़के हैं उनको अलग से प्राइज दिया जाएगा। क्योंकि बहुत से लड़कियां बोल रही थी कि सर, अगर हम लोग लड़कों के बीच में नहीं आ पा रहे हैं तो फिर इससे आरक्षण मिलता है, तो कुछ आप भी ऐसा कुछ कीजिए कि लड़कियों के बीच में हम लोग को मिलना चाहिए। सो मैंने सोचा कि चलो 3 आपको प्राइज बढ़ाते हैं और 3 प्राइज लड़कियों को मिलेगा जो टॉप करेंगी, और आपको ओवरऑल जो टॉप 10 लड़के करेंगे उनको मिलेगा, ठीक। अभी जो ये आपको जितना उमर सीट कॉपी है आप ले सकते हैं, मतलब देख सकते हैं जो भी आपको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको क्या करना होगा कि स्टडी मूड ओपन टेस्ट वाला एक टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैं ओरिजिनल जो मेरा स्टडी मूड है टेलीग्राम वहां पर दे दूंगा, और इस वीडियो के मैं लिंक में भी दे दूंगा ओपन टेस्ट वाला जो टेलीग्राम है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर सभी का फोटो खींचकर मैं डाल दूंगा। इससे क्या होगा, ऑथेंटिसिटी बना रहेगा, आप अपना एनालिसिस भी कर लीजिएगा। अगर कोई सुधार होगा तो मैं वहां पर सुधार भी लिखकर डाल दूंगा कि आपको ये सुधार करना चाहिए, ठीक। सो मैं आपको पहले रैंक वाला तो बनाकर PDF में दूंगा ही, अभी मैं आपको सुना दे रहा हूँ। और देखो, कुछ लोगों को क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में डाउट हो जाता है, सभी क्वेश्चन ऑथेंटिक रूप से जांच करने के बाद ही मैं टेस्ट में सेट करता हूँ, और जहां पर लगता है सुधार करना है वहां पर सुधार किया जाता है, ठीक। तो ये एक लड़का अगर बोले कि मेरे यहाँ पर ये सही होना चाहिए, तो वो आपको ओवरऑल लड़की का वही चीज होना होगा ना, तो वो चीज आपको नहीं मानकर चलना है, ठीक। ओवरऑल लड़कों को वो चीज प्रभावित करेगा, सिर्फ आपको प्रभावित नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं लड़कों में, यानी जो सबसे टॉप 10 है उनका नाम मैं पढ़कर सुना देता हूँ। और उनका नाम है, सबसे पहले ये रोहित कुमार जी हैं, और रोहित कुमार जी का मैं मोबाइल नंबर ऐसे आपको ये कर दे रहा हूँ, ये आपका इनका है, और मैंने ये डाला भी आप लोगों को टेलीग्राम पर। रोहित कुमार जी का आपको टोटल 75 नंबर आया है, और ये टेस्ट लगाने आते भी हैं ऑफलाइन में। अच्छे स्टूडेंट है, मुझे पता था इस बार ये अपना रैंक ला पाएंगे, पिछली बार टॉप 10 में रहे थे, इस बार भी अपना रैंक कायम रखे हैं, ठीक। और बहुत अच्छा तरीका से गोला फिरंगे हैं, और इनको फर्स्ट रैंक पर रखा गया है। उसके बाद आप देखिएगा प्रेम कुमार, ये भी पिछले बार लड़का टॉप 10 में नहीं आ पाया था, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि ये लड़का टॉप 10 में आ जाएगा और ये अपना रैंक हासिल करेंगे, और ये कर लिए हैं, और इनको नंबर मिला है 72 नंबर, और ये भी बराबर आपको आते हैं। ये देखिए, मैं इनका मोबाइल नंबर कुछ छिपा लेता हूँ, ये इनका रहा कॉपी, और ये भी मैंने डाल दिया है, ठीक। फिर आपको तीसरे नंबर पर आते हैं विशाल गौरव, विशाल गौरव का 71 नंबर है, और 71 नंबर होने के कारण ये देखिएगा रैंक 3 है इनका, और यहाँ पर देखिएगा इनका भी मोबाइल नंबर मैं छिपा लेता हूँ, ये रहा इनका कॉपी, ठीक। और आपको चौथे रैंक पर जो है देखिएगा, आप कहिएगा कि सर जी ये चौथे और तीसरे रैंक का बराबर नंबर है तो ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मायने रखता है, क्योंकि जो चौथे रैंक पर है आपको राहुल कुमार जो है इनका जो है डेट ऑफ बर्थ 2000 है, और उनका जो इससे पहले आपको तीसरे रैंक पर था उनका आपको 1999 था, तो आपको डेट ऑफ बर्थ मायने रखा है, क्योंकि बहुत से नंबर टैली कर रहे हैं, ठीक। इनका ये रहा उमर सीट कॉपी, और ये आपको चौथे रैंक पर है, ठीक। फिर पांचवें रैंक पर आप देखिएगा, पांचवें रैंक पर कौन कौन आते हैं, यहाँ पर पांचवें रैंक पर देखिए कि ये रहा आपका पांचवा रैंक, ठीक। सो पांचवें रैंक पर आपको आते हैं राहुल रंजन कुमार, ठीक। राहुल रंजन कुमार है, ये इनका कॉपी है, ये पांचवें रैंक पर, और सबका फोटो मैं डाल दूंगा जो है वो ओपन टेस्ट वाला जो टेलीग्राम है वहां पर, ठीक। अब देखिएगा 69 नंबर पर बहुत से लड़कियां हैं, यानी 69 नंबर लाने वाले लड़कों की संख्या जो है 2 है, यानी यहाँ पर आप देख सकते, 68 नंबर लाने वाले लड़कों की संख्या 2 है। ये 69 जो लाए हैं एक ही लाए हैं, और इनका आपको रैंक जो हो जाएगा, इससे पहले जो रैंक था यानी वो था पांचवा, तो इनका रैंक जो हो जाएगा, इनका 69 नंबर ये लेकर आए हैं, इनका नाम है संतोष कुमार, ठीक। तीन को छठा रैंक मैंने दिया है यहाँ पर, ठीक। एक मिनट, छठा रैंक मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर छठा रैंक है, और ये इनका रहा कॉपी, ठीक। तो ये इनका कॉपी रहा, ये रहा इनका छठा रैंक, ठीक। अब आगे देखते हैं, फिर यहाँ पर देखिएगा कि सातवें रैंक पर, सातवें रैंक पर होड़ है, क्योंकि सातवें रैंक पर देखिएगा 68 नंबर आपको कितने लोग आए हैं, 68 नंबर 3 लोग लाए हैं, इनमें डेट ऑफ बर्थ जिसका आपको ज्यादा होगा उनको पहले रखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा डेट ऑफ बर्थ के मायने से अगर देखा जाए, तो यहाँ पर मैं इनको सजा लेता हूँ, ये रहा आपका 96 92 लोग हैं, लेकिन इसमें भी देखिए 96 92 लोग में एक है आपको 16 जो 16 है 6 है, और एक है आपको 10 9 है, तो यहाँ पर आपको 16 6 96 को मैं आपको पहले रख रहा हूँ, और इनको आपको रैंक जो दिया जा रहा है ये सातवां रैंक दिया जा रहा है, ठीक। ये और आपको आठवें रैंक पर, यहाँ पर देखिए जैसे कॉपी चेक होता है सब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने कोई यहाँ धांधली ये चीज़ नहीं है। इनका नाम है जय कुमार गिरी, और ये पहले भी टॉप रह चुके हैं, ठीक। तो ये रहा इनका कॉपी, ठीक। जय कुमार गिरी जो है, ये बधाई आपको, जो कि आप कौन सा रैंक है, तो सातवें रैंक। और उसके बाद आप देखिएगा आठवें रैंक पर है आपको अमीर हुसैन, बहुत अच्छा लगातार प्रदर्शन अच्छा जा रहा है,
और इनका नंबर भी आपको 68 है, ये रहे आठवें रैंक पर। ठीक, फिर हम देख लेते हैं नौवें रैंक पर क्या है। तो नौवें रैंक पर भी आपको 68 नंबर का है और इनका जो आपको डेट ऑफ बर्थ है 2001 है, तो ये आपको नौवें रैंक पर है और इनका नाम है अंकित कुमार और इनका मोबाइल नंबर मैं हैड कर लिया यहाँ पर, ये है अंकित कुमार। ठीक, फिर हम देखते हैं दसवें रैंक पर। अब दसवें रैंक पर जो है 67 लाने वालों की संख्या इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा है, तो हम दसवें रैंक पर किसे रखेंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ आपको ज़्यादा हो। तो 98 इनका भी है, इनका 99, तो ये तो ऐसे ही चले गए। ये 30 है, ये 6 है, 3 है, यहाँ पर 1 है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपको रहे चंदन राज। चंदन राज का है जो यहाँ पर रैंक आप देखिएगा, ये टोटल 10वां रैंक है और 10 लोगों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। जिस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है इनका आपका ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर देखिए ये, और इनको आपको 10वां रैंक मिला है। ओवरऑल 10 लड़कों को चूज कर लिया गया और ये रहा आपका 10 लड़के, और ये ऐसे हो जाएंगे ये आपको जो लड़की में। सो लड़की में 3 लोगों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, लड़की से ऊपर से 3 लोगों को मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको 59 नंबर पर आप देखिएगा कि 2 है, तो इनमें कैसे सेलेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले जो लड़की आई है फर्स्ट रैंक पर लड़कियों में, वो है आपका 65 नंबर लाकर, और इनका नाम है ममता प्रियम। ठीक, तो ममता प्रियम का ये कॉपी रहा, ये रहा आपका, और ये फर्स्ट रैंक है लड़कियों में, तो इनको भी आमंत्रित है। आपका प्राइज मिलेगा इसका मैं जल्दी आपको खुलासा करूंगा और वहीं पर आपको प्राइज मिल जाएगा। ठीक, बुलाया जाएगा इनको कि इनको फर्स्ट रैंक है। और फिर उसके बाद मांडवी कुमारी, ये आपको सिंह, मांडवी कुमारी सिंह जो है ये आप देखिएगा, ये आपको इनका आपको सेकेंड रैंक है। इनका नंबर जो है लड़कियों में 60 नंबर है। ठीक, और फिर आपको 2 लोग लाई है 59 नंबर, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के मामले से अगर देखें तो एक 99 है डेट ऑफ बर्थ, एक 98 है, जिसमें से श्वेता झा 98 है इनका डेट ऑफ बर्थ, इनको आपको तीसरे रैंक पर रखा गया है, इनका नंबर है 59। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इनका नंबर है 59। अब कहिएगा सर जी और ओवरऑल कहाँ गए, सो ऑल ओवरऑल में देखिएगा बहुत से लोग फेल भी हुए हैं और बहुत से लोग अच्छा नंबर लाए हैं। ये मैंने टॉपर का आपको मार्क्स बताया। ठीक, अगर आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ सुधार है करना चाह मतलब कि है जिज्ञासा है, तो ये सुधार भी कर दिया जाएगा। सो ओवरऑल मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने ये बताया कि आप लोग क्या कीजिएगा कि स्टडी मोड ओपन टेस्ट नामक टेलीग्राम है, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा और आप लोग उसे जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहतर होगा। और इस तरीके से आप क्या कीजिएगा कि अपना रैंक भी इम्प्रूव कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए निरंतर, और जो मैं ओपन टेस्ट ले रहा हूँ उसे भी पार्टिसिपेट कीजिए। इससे क्या होगा कि एक तो प्रैक्टिस में पहले आप लोगों को करा दे रहा हूँ ओमर सीट पर, जो पहली बार आप देखिएगा कोई ओमर सीट, वो भी ओरिजिनल टाइप के देख सकते हैं। इधर देखिए, इधर दिखाइए जी, इतना ओमर सीट इसके अंदर रखा गया है, फिर इधर ओमर सीट यानी कि ऑफिस पर इतना ओमर सीट मैंने मंगवा कर मंगवाया है आप ही लोगों के लिए कि आप लोग इसका बेस्ट बेस्ट तरीके से आप लोग यूज कर पाए और सच में ऐसा लगे कि आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बात रहा स्टेट वाला, तो जैसे ही 2 और टेस्ट पट्टा में मैं खत्म करता हूं ओपन, फिर आपको स्टेट वाला टेस्ट मतलब माफ करना जिले वाला टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बिहार के सभी जिलों में मैं टेस्ट लेकर आ रहा हूं और जहां जहां जाऊंगा मैं पहले ही बता दूंगा, तो अभी आपको उसके लिए वेट करना होगा। सो ये जितने भी टॉपर हैं फिर से मैं उनको बधाई देता हूं, अपने निरंतर तैयारी में लगे रहिएगा और भी आप लोग कोशिश कीजिए, जो भी टॉपर बनना चाहते हैं आगे पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। बाय बाय, जय हिंद।